गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं, चीलों को बोल रहे हैं बिस्तर छोड़ दो, तो चलो सबको वेलकम करो। वेलकम टू रूपा सिंगर ब्लॉग। वेलकम टू चलिए आप लोगों सबको हमारे ब्लॉग में सुबह 20 जनवरी के इस छोटे से ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे, तो संडे स्पेशल छोले भटूरे, इनका फरमाइश है, बेटे का फरमाइश है और बाप बेटे का फरमाइश है, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए संडे स्पेशल में। चलिए देखते हैं आगे। देखो इससे ज्यादा भटूरा बड़ा बना नहीं सकते क्योंकि मेरा कढ़ाई छोटा है। भटूरा है, दही है, मैदा है, लेकिन हाँ इसमें आटा का इसलिए एक नंबर। खाने मिल जाए इन लोग को और कुछ नहीं चाहिए। देखो बाल्टी भर गया है। सब्जी बनने में 2 मिनट। मसाला तैयार करो, फिर डाल दूंगी, फिर 5 मिनट आप
चलिए आपको नाश्ता दे देते हैं, जाना है ना, नाश्ता खाइए और जल्दी आधा किलो लौकी भोग चावल लाना, क्या बोलेगा? आधा किलो लौकी भोग चावल। छोला भटूरा का आने में लिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग कीजिए। गुड मॉर्निंग। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए अच्छा से। कैसा लग रहा है जी? अच्छा। आज का नाश्ता इनके पसंद का है क्योंकि चार दिन पहले फिर बनाए थे पर इनको इनका पूरी घट गया था। लाजवाब 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 लाजवाब। हो गया, लाइन कट गया गाइस, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियो को दी एंड भी तो करना है। आते हैं। बाय बाय पापा। बाय बाय पापा। बाय। बाबू अच्छा लग रहा है ना खाने में? हाँ। बाबू कितना पूरी खाएगा? जल्दी खाना बाबुल, बहुत काम। सब कोई खा लिया नाश्ता, सिर्फ हम नहीं खाए हैं, तो हम नाश्ता लेके बैठे हैं अभी। गाजर है और अचार है साथ में, तो आज का यम्मी नाश्ता। भूख लग रहा है, बहुत जोर से भूख लग रहा है। सब कोई खा लिया, सिर्फ हम नहीं खाए। छोले भटूरे, वाह गाइस, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। 16 देख रही है। दोपहर की तैयारी हो रही है और दोपहर का तैयारी लंच का में नॉनवेज बनेगा और बाबुल प्याज काट रहा है। आपको दिखाते हैं, बाबुल प्याज काट रहा है, छील रहा है, काट रहा है। जब भी नॉनवेज बनाए तो ज्यादा प्याज लगता है। हम नहीं लगाए, वो अपने मन से लगाए। आंख में आंसू आ गया। आपको दिखा रहे हैं भटूरे घट गए हैं। हम जा रहे, सिर्फ दो भटूरा खाए हैं, अभी और दो खाएंगे। ओ बाबुल प्यारे, प्याज तो काटो रे, मम्मी बताएगी और तुम खाओगे। देखा बाबुल चेहरा तो, बाबुल प्यारे अभी इतना कम कटा है, अभी अभी इसमें और कटेगा, तो ये पूरा कटेगा। चलो मेरे भटूरे घट गए, मैं और दो भटूरे खाऊंगी। इसका ब्लॉग ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की ब्लॉग का डी एंड करेंगे। उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी बात करना जरूर चाहेंगे कि जो हो गया वो भी भगवान की, ईश्वर की मर्जी से हुआ। जो हो रहा है वो भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और जो होगा वो भी ईश्वर की मर्जी से होगा। अगर एक औरत चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, वो बेवकूफ़ है। उसका एक औरत के चुप्पी का हमेशा सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो सबको रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए वो चुप रहती है। हाँ,
औरत का चुप्पी का मतलब है वो सबको रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए वो चुप है, इसीलिए उसके चुप्पी का, उसके चुप रहने का उसका सम्मान करना चाहिए। औरत का चुप्पी का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो कमज़ोर है। तो आज इतना ही हम बोलना चाहते थे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का छोला भटूरा स्पेशल ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय।